हेलो फ्रेंड्स, हम आए हुए रबर डैम पे और रबर डैम पे यहाँ पे खूबसूरती का नज़ारा आप देख सकते हैं इधर उधर, और कैमरा मैन दिखाएंगे ताकि यहाँ पे खूबसूरती अच्छे से दिख सके। ये इसलिए हम लोग आए हैं कि देखना, पहली बार हमने सुना था बिहार के धरती पर, गया के धरती पर यहाँ पे रबर डैम का निर्माण किया गया है, और कुछ ऐसे नज़ारे जहाँ पर इंटरेस्टिंग घूमने के लिए मिला है और इंटरेस्टिंग आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। हेलो एवरीवन, हम आए हुए हैं गया के धरती, मोच के धरती, सीताकुंड और विष्णुपद के निकट। तो इस सीताकुंड के नज़ारा आप उधर देख सकते हैं कि जहाँ पे सीताकुंड में बहुत सारे देश विदेश के लोग आते हैं पूजा अपने पिंड दान करने के लिए और पितरों का दान करने के लिए। पितरों का दान जब किया जाता है तो यहाँ से मोच की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु अपने चरणों में उनका जगह देते हैं। और इधर देख सकते हैं ये रबर डैम का निर्माण किया गया है। रबर डैम में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ये है कि कम लागत में बहुत अच्छे तरीके से श्री नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ने इसका तैयारी की है। और फिर उधर देख सकते हैं रबर डैम के पीछे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें का निर्माण होने वाली है, जिसमें आप वहाँ पर घूमने लायक होगा। कुछ जगह पर यहाँ पर टूरिस्ट पैलेस बन जाएंगे और कुछ लोग यहाँ पे और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं घूमने आते हैं यहाँ पे। और फिर इधर मैं बात करूँ विष्णुपद की तरफ मैं देख सकते हैं कि आगे मैं दिखाऊंगा वीडियो में ही और बताऊंगा कि विष्णुपद में यहाँ पे लोग देश विदेश से ही लोग पूजा करने आते हैं, ताकि विष्णुपद जो है यहाँ पे विष्णु जी का, विष्णु भगवान का चरण यहाँ पे उनका पद स्थापित हुआ है और लोग यहाँ पे बहुत पूजा करने आते हैं। चलिए हम लोग आगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग घूमने आए हैं यहाँ पे और घूम करके अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि घूमने आए हुए हैं और घूम करके देख रहे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे उधर बगल में पिंडदान किया जा रहा है, और फिर पिंडदान करके पितरों का दान कर रहे हैं। आगे हम लोग आगे दिखाएँगे कि कितने सारे लोग यहाँ पे हमारे भारत देश से आए हुए हैं और भारत देश के कितने विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाषाओं के लोग जो आए हुए हैं। लोग यहाँ पे, आज पुनिया का दिन है तो लोग गयावासी लोग भी यहाँ पे अपने स्नान दर्शन करने के लिए, यहाँ पे विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए हुए। कुछ दिखा दीजिए, वहाँ पे पानी का नज़ारा दिखा दीजिए। कुछ लोग यहाँ पे देखिए कैसे पूजा पाठ करते हैं,